सभी भाइयों को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। भाइयों, एक और आदेश आ चुका है जो अतिथि शिक्षकों के लिए ही है। भोपाल दिनांक 7/2/2023 आज का ऑफिशियल आदेश, और आज की ही दिनांक है मैं आपको बताना चाहता हूं। और क्रमांक IT सेल बटे अतिथि शिक्षक 2022-23/800, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य मध्य प्रदेश। विषय है शिक्षणिक सत्र 2022-23 में रिक्त पदों के विरुद्ध आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों की पोर्टल पर ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि के संबंध में। पोर्टल बंद का हवाला दे रहे थे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन अतिथि शिक्षकों की अभी तक पोर्टल पर फीडिंग नहीं हुई है, जो टीचर के ट्रांसफर के कारण जो पद रिक्त हुए थे वहां पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई थी, 2 से 3 महीने हो चुके हैं, उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आज ये स्पष्ट हो चुका है। लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश है, संबंधित पात्रानुसार शैक्षणिक सत्र 2022-23 में रिक्त पदों के विरुद्ध रखे गए अतिथि शिक्षकों की पोर्टल पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराने के निर्देश दिए गए थे। GFMS पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्याओं का निराकरण कर लिया गया है, और यहां पर समस्त संकुल प्राचार्यों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों की पोर्टल पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग दिनांक 9/2/2023 तक कराना सुनिश्चित करें। नियत तिथि के पश्चात ज्वाइनिंग से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित संकुल प्राचार्य के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उक्त निर्देश अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। अभय वर्मा, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, भोपाल दिनांक 7/2/2023। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन अतिथि शिक्षकों की पोर्टल पर अभी तक फीडिंग नहीं हुई है, अगर 9 तारीख तक उनकी फीडिंग नहीं की गई तो संकुल प्राचार्य के साथ कार्रवाई हो सकती है। और यहां पर स्पष्ट रूप से आदेश है, बड़ा आदेश है दोस्तों अतिथि शिक्षकों के लिए। गरीब अतिथि शिक्षक अल्प मानदेय से 14 वर्षों से काम कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं पोर्टल पर रिक्त पद नहीं दिख रहा है, कहीं फीडिंग नहीं हो रही, लेकिन ये आदेश है तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जिन्होंने नई ज्वाइनिंग ली थी और जिनकी अभी फीडिंग नहीं हुई थी, तो अब 9 तारीख तक उनकी फीडिंग होना है, और कोई संकुल प्राचार्य नहीं करता तो ये आदेश आप बता सकते हैं, आप देख सकते हैं। विशेष सहायक माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश, शासन प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक राज शिक्षा केंद्र भोपाल, प्रबंध संचालक MPSEDC IT भवन अरेरा हिल्स भोपाल की ओर से सूचना, कलेक्टर समस्त जिले, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले, आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये वीडियो है और ये आदेश आपके सामने है, बाकी आप क्या कहना चाहती हैं वो अतिथि शिक्षक कमेंट्स करें जिनकी अभी तक फीडिंग नहीं हुई है, अभी तक मानदेय नहीं मिला है, तो इस आदेश को आप बता सकते हैं संकुल प्राचार्य को, बाबू को और अपने प्रधान अध्यापक को। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।